तो ये वाली ट्रॉली अपनी फुल होगी। और उसके बाद बताएंगे क्या कुछ एवरेज आ रही है, कितनी जमीन हुई है और कितना कितना वजन हो गया अपनी जो ट्रालियां आज पहले गई थी दिन के अंदर। और ये अपनी हालत हो रखी है, आंखें जो है पूरी लाल हो रखी है। और इसका कारण क्या रहा, वो अपनी ये ट्रालियां हैं जिनको हमने तैयार किया। ये वाली गेहूं जो अपना निकला है वो निकला है 235 क्विंटल। भाग दे लेना लगभग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, आंखें आपको दिख रही होगी पूरी लाल हो रखी है। तो आज मशीन चल रही है, कंबाइन जो है चल रही है, गेहूं वगैरह निकाल रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहता है। सुबह से वेल्डिंग कर रहे थे तो उस चक्कर में जो है ऐसी हालत होगी। चलो कोई नहीं, ये तो कल तक ठीक हो जाएगी। तो आप कीजिए वीडियो को लाइक, चलिए शुरू करते हैं। मशीन ने एक चक्कर लगा दिया, ट्रॉली वगैरह अपनी तैयार है, दो ट्रॉली लेके आए हैं, देखते हैं कितना कुछ रहती है। ये वाली कणक जो कल निकाली थी उससे ठीक है। तो क्या अभी काम रहता है, खेत का भी काम हो जाता है और भी बहुत सारे काम जो है आपको पता चलते रहते हैं। तो ऐसे में वीडियोस के अंदर आप जो है समझ सकते हो क्या कुछ रहता है, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है साथ में काम भी करना होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी उलझ के चलती है, तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे अगर वीडियो ना आए या आगे पीछे हो जाए तो आप उससे थोड़ा समझ लेना। और कोशिश अपनी यही रहती है भी आपको कुछ ना कुछ अपनी वीडियो से सीखने को मिले। अभी तो दो तीन दिन कल से काम कणक का चल रहा है, तो कल कंबाइन चली, आज चली, वो देखते हैं तुल वगैरह जाएगी तो कैसा क्या कुछ रहता है। और आज अभी दोनों ट्रैक्टर आ रखे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। एक तो ये हो गया 265, ये सुबह वो ट्रॉली को खाली करके आया, कल वाली ट्रॉली ये है, इसको खाली करके आ गया। और एक वो उधर खड़ा साथ, तो देखते हैं कितनी क्या कुछ रहती है इसके अंदर। साथ भी गया, एक दो तीन चार, चार चक्कर लगा दिए और ट्रॉली के अंदर इतनी आई है। ये कणक कल जो निकाली थी ना उससे बढ़िया, काफ़ी बढ़िया उससे। और कल वाली जो अपनी ट्रॉली हुई थी वो हुई थी 71 क्विंटल और 75 किलो के आसपास हुई थी। तो कल वाली अपनी मतलब कुल मिला के ना ठीक निकल गई, कल वाली कणक जो थी ना अपनी 6.5 बीघा के अंदर और 71 क्विंटल 65 किलो होगी। ये वाली कणक अपनी ठीक निकल गई, ट्राली के अंदर कल वजन था 71 क्विंटल और 65 किलो, पता नहीं 75 किलो के आसपास, आज ट्राली उससे ज़्यादा भर गई। और इसको निकालते हैं बाहर, दूसरी ट्राली लेके आते हैं। यहाँ पे ऊपर तक भरी हुई है पूरी, दोनों ट्राली भरने के बाद दोनों ही मंडी जाएगी। तो 7 बीघा पूरी निकल गई अपनी गेहूं। और मशीन जा रही है इधर वाले के अंदर, पास वाले में, इसमें लगाएंगे अभी। और ट्राली में आपको दिखाते हैं, एक ट्राली तो अपनी फुल थी, वो गई मंडी खाली होने के लिए और शाम को वापस आके दोबारा से लग जाएगी। और इस ट्राली में इतना हो गया, ये गिल्ली है ना इसकी वजह से थोड़ा बहुत कचरा तो आ रहा है, पर तुल रही है ना इसलिए निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राली की बाडी बाडी में हो जाएगी आराम से, और इसकी बाडी के अंदर 40 क्विंटल आ जाती है, 40 क्विंटल ये होगी। और उस ट्राली के अंदर जो गई थी अपनी, उस ट्राली के अंदर हो गए अपने, कल वाली थी वो 70 क्विंटल, तो आज उससे ज़्यादा भरी हुई है ट्राली। तो आज वाली के अंदर आसानी से 80 से ऊपर ऊपर हो जाएगी आराम से, बाकी जितनी आएगी उतनी दिखा देंगे। और ये अपनी जो बिजाई थी ना रूटावेटर से की हुई थी सारी, तो इसमें लांगा तो ठीक ही बना है, लांगा भी बढ़िया ही है और कणक जो है उससे भी बढ़िया निकल गई। तो बिघे की अपनी निकल गई लगभग 17 क्विंटल के आसपास, 80 उसमें मान रहे हैं और 40 ये होगी, 80, 40, 120, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। तो टोटल अपनी कणक होगी बिघे की 7 बीघा जमीन है, 120 क्विंटल और 7 बीघा के अंदर, तो कितनी होगी 17 क्विंटल पर बिघे की। अब इसमें लगा दी मशीन और ये वो 7 बीघा है, इसको निकाल दिया, इसका देखते हैं कैसे क्या कुछ रहता है।
ये भी दिख तो ठीक ही रही है, निकलेगी वो आपको बता देंगे कैसे निकलेगी। और इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें 2-4 दिन देख लेंगे, 2 दिन तो देखने का ही विचार है, बाकी पता नहीं, हो सके तो निकाल दे तो निकाल ही दे। तो ये वाली ट्रॉली अपनी फुल होगी, तो ट्रॉली फुल है, इसको भेजते हैं मंडी, चाल तू। और मशीन को एक बार बंद कर लेंगे, तापा भरते ही ऊपर वाला बंद कर लेंगे एक बार उसको। तो अपनी ये ट्राली मंडी खाली होके आ गई, और इसके अंदर जो बची हुई थी इसमें से काट के डाल दी। अभी तक बता देते हैं कितनी का आ गई, और जो लास्ट में है ना इसमें से पूरी खाली हो जाएगी तब आपको दिखाते हैं। तो ट्राली के अंदर इतनी है, और अब इसको भरेंगे तो एक बार इसमें से कटवा लेंगे जितनी ये ट्राली भर जाए उतना, तो इसको भर के और मंडी खाली करवा देंगे। तो 6 बीघा के अंदर इतनी और ट्राली भर गई, और पहले जो अपनी 2 ट्राली आज गई थी उसके अंदर एक में वजन हुआ 70 क्विंटल, इस ट्राली के अंदर कंपेन वहां पे चल रही है अपनी डाणी के पास, बस एक ये ट्राली भर जाए इतना ही आएगा उसके अंदर, तो 1-2 बोके डल जाएंगे इसके अंदर। तो आज का काम पूरा हो गया कंपाइन का, और ट्राली अपनी पूरी भर चुकी है, इसकी साफ सफाई चल रही है कंपाइन की। और ट्राली में आपको गेहूं दिखाते हैं कितनी आ गई, और उसके बाद बताएंगे क्या कुछ एवरेज आ रही है, कितनी जमीन हुई है, और कितना कितना वजन हो गया अपनी जो ट्रालियां आज पहले गई थी दिन के अंदर। और ये अपनी हालत हो रखी है, आँखें जो है पूरी लाल हो रखी है, और इसका कारण क्या रहा वो अपनी ये ट्रालियाँ हैं जिनको हमने तैयार किया ये वाली, तो इनका वेल्डिंग वुल्डिंग का काम है ना बहुत, आज सुबह सुबह ही कर लिया, उठ के आए थे जल्दी, उसकी वजह से खुद की हालत ख़राब हो गई। तो इसका डाला दिखाते हैं आपको, जो भी आपके सामने हुआ तो जुगाड़ है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने जुगाड़ करके ही लगाई है, इसके कुंटे कांटे लगा दिए इधर लोग कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गए, पर कोई नहीं, तो ऐसे बने हैं। अब काम चलाना होता है, इस पर खर्चा ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे इन दोनों ट्रालियों का ना चेंज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तूड़ी के लिए ली थी हमने, पर आगे कुछ और ही सोच रखा है, इनको आगे बदल देंगे। तो इस पर काम किया, वैसे तो ज़्यादा काम तो गगन भाई ने किया, थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने कर दिया था, तो वेल्डिंग की वजह से खुद की हालत ये हो गई। आपको ट्राली का वजन बताते हैं, तो कल निकाली थी 6.5 बीघा, उसमें जो है अपनी ये वाली ट्राली गई थी और इसका वजन हुआ था 71 क्विंटल के आसपास, तो उसको तो आप छोड़ दो, ये कल वाले के अंदर आ जाती है। कल वाली की एवरेज जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी, 6.5 बीघा के अंदर 71 क्विंटल हुई। और आज जो अपनी ट्रालियाँ गई है वो गिनाते हैं, सबसे पहले ये वाली ट्राली भरी थी उसके अंदर वजन हुआ था 77 क्विंटल 40 किलो, उसके बाद दूसरी जो 60 वाली ट्राली थी वो भरी थी उसके अंदर वजन हुआ था 78 क्विंटल, और तीसरी ट्राली ये अपनी भरी खड़ी है और पूरी ऊपर तक है, और पिछली बार इसको जितना भरा था ना उससे उस पर ज़्यादा ही है, पिछली बार 77 हुआ, इस बार मान लेते हैं 80 के लगभग हो जाएगी, आइडिया तो 80 का था पर लगभग 77 हो गई थी। तो 3 ट्रालियाँ होगी, तीनों को टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, तो इन सब को जोड़ते हैं टोटल हो जाता है 235, और बीघा अपने हो गए, पहले सबसे पहले मशीन चली थी वो था 6.5, उसके बाद 6, और जो डाणी के पीछे इसमें से 2 बीघा कटी गई, 6 और 6 12,
और आधा ऊपर था 12.5 हो गया और 2 बीघा यहाँ पे, तो 14.5 टोटल जमीन होगी। और गेहूं जो अपना निकला है वो निकला है 235 क्विंटल, भाग दे लेना लगभग 16 के ऊपर ऊपर आती है, तो एवरेज ये आई है। और इसमें टोटल वजन होगा ना ट्राली का तब पता चलेगा। इस ट्राली को अगर छोड़ते हैं और उधर वाले का कैलकुलेट करते हैं तो अपना टोटल वजन आ रहा है 17 क्विंटल के आसपास, मतलब बिघे की 17 क्विंटल के आसपास हुई है। तो अभी शाम हो चुकी है, तो अभी ये ट्राली भी मंडी जानी है तो इसको घर पे लेके चलेंगे। शाम हो चुकी है, मशीन तो आज जोड़नी थी वो तो हुई नहीं, वो तो वो खड़ी, इसका तो काम कोई चला नहीं। और ये जाएगी मंडी, तो आपसे मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।